हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा वेक्टर। सो दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑन वेक्टर और हम स्टार्ट करेंगे विद अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने वेक्टर इक्वेशन पे दो तीन होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो लेट्स स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस। तो पहला क्या था, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बस, यू एंड वी आर यूनिट वैक्टर्स इफ डब्ल्यू इज द वैक्टर सच दैट, और इक्वेशन क्या दे रखी थी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल टू वैक्टर वी, देन प्रूव दैट we have to prove that magnitude of u cross v dot with w is less than equals to half, theek hai na, and the equality will hold if and only if u is perpendicular to v. this is what we have to prove, theek hai. to start karte hain, to is type ki equation to humne last class mein bhi ki thi, last lecture mein humne is type ki vector equation dekhi thi, theek hai na. to फ्रॉम दैट हमें एक हिंट मिलना चाहिए कि हम पहले W वेक्टर निकाल लें, ठीक है। तो अब W कैसे निकालें, तो हिंट कैसे लगेगा कि अगर मैंने इसका U के साथ क्रॉस लिया तो क्या होगा, इधर W क्रॉस U जनरेट होगा, और W क्रॉस U जनरेट होगा उसको मैं V माइनस W लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन से। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ U वैक्टर। समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ, तो इधर किया जाएगा W क्रॉस U प्लस W क्रॉस U क्रॉस विथ यू इज इक्वल टू वी क्रॉस यू। गेटिंग इट, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या फ़ायदा हो गया ऐसा करने से कि ये W क्रॉस U है ना, यहाँ से उठा के रख देता हूँ मैं, दैट इज़ V माइनस W, तो मैं लिख देता हूँ, तो दिस इज़ V माइनस W वेक्टर, ठीक है। प्लस अब इसको मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओपन कर देता हूँ, तो कैसे करते हैं, ब्रैकेट में W और U है, बीच में कौन सा U, तो U माइनस और इधर आएगा W, U यूज हो गया, तो इधर क्या लिखूँगा, W डॉट U, और W इधर यूज हो गया U डॉट U, तो मॉड ऑफ U स्क्वायर इज इक्वल टू V क्रॉस U। गेटिंग इट, अब क्या बचा है हमारा, देखो अब देख लेते हैं प्रॉब्लमेटिक टर्म्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यू कैन सी कि मतलब प्रॉब्लमेटिक कैसे पता चलेगा कि हमारा W वेक्टर निकालना है, तो W किसी और वेक्टर के साथ क्रॉस और डॉट में फंसा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, तो देखो ये टर्म क्लियर है, ये टर्म क्लियर है, ये टर्म क्लियर है, ये टर्म क्लियर है, ओनली द प्रॉब्लमेटिक टर्म इज दिस, क्योंकि इसमें W क्या है, U के साथ फंसा हुआ है, अभी W डॉट U लिखा है। तो अब मेरा प्रोसीजर क्या होगा, अब मैं W डॉट U जनरेट करना चाहूँगा, और कैसे चाहूँगा, मेरे पास तो पेरेंट इक्वेशन एक ही है, जो कुछ आना है वो इधर से ही आना है, तो W डॉट U सिंपल आई क्यू से क्या बोलूँ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन विथ U वेक्टर, ठीक है। तो आई से डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर U, तो इधर क्या आ गया, W डॉट U प्लस, अच्छा U का डॉट मैं इसके साथ लूँगा तो क्या आएगा, जीरो, बिकॉज W क्रॉस U जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू W एज वेल एज U, सो इफ आई विल टेक डॉट प्रोडक्ट विथ U आई विल गेट जीरो, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू V डॉट U। सो यू कैन सी W डॉट U की वैल्यू मेरी क्या आ गई, V डॉट U, तो मैं इधर उठा के रख देता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, ये वैक्टर V U डॉट V, तो इसकी जगह प्लस U डॉट V इंटू वैक्टर U, और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, माइनस वी क्रॉस यू इज इक्वल टू, और डब्ल्यू वाले टर्म उस साइड लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तो डब्ल्यू वाला ये रहा डब्ल्यू, और एक ये रहा, तो डब्ल्यू वेक्टर कॉमन लेके वन प्लस मॉड ऑफ यू स्क्वायर। गेटिंग इट, यहाँ तक क्लियर हुआ, अब मेरा डब्ल्यू वेक्टर आ गया, ये तो एक स्केलर है, वन प्लस मॉड ऑफ यू का स्क्वायर, इसको मैं इसके नीचे लेके आ जाता हूँ, तो व्हाट यू विल गेट, वेक्टर डब्ल्यू एज वेक्टर वी प्लस यू डॉट वी इन टू वैक्टर यू, अच्छा इसको मैं माइनस वी क्रॉस यू लिखा है, इसको प्लस लिख के लिख देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, यू क्रॉस वी, तो मैं इस वाले वैक्टर को नेगेटिव लिखा है, तो मैं इसको प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख लिया यू क्रॉस वैक्टर वी डिवाइडेड बाय वन प्लस मॉड ऑफ वैक्टर यू का स्क्वायर, दिस इज वॉट, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ये तो आ गया डब्ल्यू वैक्टर, अब उसने क्या बोला है, उसने हमें बोला है कि प्रूव दैट दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना, प्रूव दिस इनइक्वालिटी। तो हम क्या करेंगे, W U इस वेक्टर, इस जो हमारा W आया इसका मैं क्या करूँ, डॉट ले लेता हूँ U क्रॉस V के साथ। गेटिंग इट, सिंपल, सो आई विल टेक इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर U क्रॉस V वेक्टर, U क्रॉस V के साथ डॉट ले रहा हूँ मैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ U क्रॉस V ऑन बोथ द साइड, सो दैट ये चीज़ जनरेट हो जाएगी। फिर देखते हैं RHS में क्या आता है, उसने बोला है कि प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो लेट्स डू, तो इधर तो आया W डॉट U क्रॉस V, ये तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, देखना बिल्कुल ध्यान से, U क्रॉस V क्या वेक्टर है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है किस किसके, U और V के, तो इसका V के साथ डॉट लूंगा, तो यू विल गेट जीरो जीरो
प्लस ये यू वेक्टर है, ये देख इसके लिए लिखा है जैसे टू लिखा है, टू टाइम्स वेक्टर यू, तो इसका अगेन इसके साथ डॉट लूंगा तो व्हाट यू विल गेट, जीरो, तो जीरो प्लस व्हाट यू विल गेट हियर। अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ यूनिट वेक्टर भी मेंशन किया था क्या, जस्ट लेट मी नो, यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स, हाँ ठीक है यूनिट वेक्टर्स है, वही मैं सोच रहा था। तो ये डिनोमिनेटर को मैं वन लिख दूँ, इसको वन प्लस वन टू, मतलब इसको वन, बिकॉज यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स, तो डिनोमिनेटर में क्या है वन प्लस वन टू। अच्छा अब ये वाला बचा दिस डॉट दिस, ये तो सेम वेक्टर लिखा है, तो ए डॉट ए क्या होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस विल बी मॉड ऑफ यू क्रॉस वी का स्क्वायर। तो फाइनली वी आर गेटिंग द क्वांटिटी दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो अब अभी क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ। आते हैं अब इस पर, अब मैंने बोला कि इसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, दैट इज मॉड ऑफ यू इंटू मॉड ऑफ वी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन यू एंड वी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो मेरा इधर ऐसा आया डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वैक्टर वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू स्क्वायर विच इज वन, मॉड ऑफ वी स्क्वायर विच इज अगेन वन, इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो जो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू। समझ में आया ना साइन थीटा क्या लिया है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर यू एंड वी, तो मैंने यू क्रॉस वी को ओपन कर दिया। नाउ यू कैन सी कि हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम कब आएगा व्हेन साइन थीटा इज वन, सो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन देन मेरा जो ये वाला पार्ट आएगा डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी दैट आई विल गेट मैक्सिमम एंड द वैल्यू विल बी हाफ। वही प्रूफ करना था कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ। अच्छा और एक लास्ट लाइन और, उसमें मैंने क्या लिखा था कि हमें यह भी शो करना है कि जो इक्वालिटी है वो कब होल्ड कर रही है, जब वेक्टर यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो कि साइन थीटा इज वन, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग मुझे हाफ मैक्सिमम वैल्यू मिला, और साइन थीटा वन मतलब क्या है, थीटा क्या था बेसिकली यू और वी के बीच में एंगल, एंड साइन थीटा वन मतलब थीटा इज 90, हैंस इक्वालिटी विल होल्ड इफ यू एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Got it? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इवन यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, कॉपी कर लेना, कोई भी दिक्कत आए डाउट सेशन में क्लियर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ डायरेक्टली, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर, एंड कैपिटल ए वेक्टर क्रॉस विथ कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर, ठीक है ना। सेटिस्फाइंग द वेक्टर इक्वेशन दिस, एंड एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए इज इक्वल टू वन, वेयर ए एंड बी आर द गिवन वेक्टर्स, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द गिवन वेक्टर्स। तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली कैपिटल ए और कैपिटल बी वेक्टर निकालने हैं। तो यू कैन सी कि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो कैसे जैसे लीनियर में क्या होता था, हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो आ जाता था, बट इधर क्या है कि ए और बी के बीच में क्रॉस लगा है, सिंपल इट। अगर ये माइनस होता, ये माइनस भी होता तो बहुत ही आसान हो जाता, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते तो 2a मिल जाता, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 2b मिल जाता, बट इधर क्रॉस है, ठीक है ना। तो क्या करें हम, तो देखना सबसे पहले मैंने बोला क्या हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इधर तो अभी हमारे दो वेरिएबल वेक्टर्स हैं, एक तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और मुझे चाहिए कि सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब या तो ए हो या बी हो, तो आई कैन एलिमिनेट दिस वेक्टर बी या फिर ए, कोई भी एक वेक्टर फ्रॉम द अबव इक्वेशन। कैसे, ये क्रॉस वो कैपिटल बी वेक्टर को लिख दिया ए माइनस कैपिटल ए, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी, यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं किया, पहली वाली इक्वेशन से कैपिटल बी वेक्टर मैंने उठा के इधर नीचे रख दिया, ठीक है। तो मेरा अब इधर क्या हो गया ना, अननोन वेक्टर केवल ए बचा, तो अब मुझे वही निकालना है कैपिटल ए, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आया कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए माइनस, अच्छा कैपिटल ए का कैपिटल ए के साथ क्रॉस, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, तो जीरो हो गया, तो मैं जीरो लिख नहीं रहा हूँ, तो जीरो हो गया इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन आई मेरी। क्या मेरा कैपिटल ए वेक्टर आ गया, नहीं, क्यों नहीं आया भाई अभी, क्योंकि अभी अभी भी जो कैपिटल ए वेक्टर है वो स्मॉल ए वेक्टर के साथ क्रॉस के साथ फंसा हुआ है, मुझे तो कैपिटल ए वेक्टर चाहिए इन टर्म्स ऑफ नोन वेक्टर्स, एंड नोन वेक्टर साथ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वेक्टर। तो अब क्या करूं, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, किससे मल्टीप्लाई करें, किसके साथ क्रॉस लें, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि भाई इन्फॉर्मेशन क्या दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे यूज होगी हमारी, क्या करें, व्हेन आई विल टेक इस इक्वेशन का क्रॉस विथ किसके साथ, कैपिटल सॉरी स्मॉल ए वेक्टर के साथ, कैपिटल ए के साथ मत करना, बिकॉज फिर वो इधर बी क्रॉस कैपिटल ए आ जाएगा, फिर मेरा अननोन फंस जाएगा बी के साथ, ठीक है ना। मेरे को कैपिटल ए चाहिए सेपरेटेड, तो कैपिटल ए के साथ क्रॉस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इसका क्रॉस लेंगे ए के साथ, तो कर लेते हैं, तो कैपिटल ए क्रॉस बी
सॉरी कैपिटल ए क्रॉस ए, इसका क्रॉस विथ वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए। अब देख रहा है क्लियरली, पहले ओपन दिस क्रॉस प्रोडक्ट, कैपिटल ए डॉट स्मॉल ए जनरेट होगा, उसको हम वन से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई। यही तो गिवन इन्फॉर्मेशन ही तो हमें हिंट देती है कि हम किसके साथ क्रॉस या डॉट लें। ठीक है, तो चलो अब ये बीच में वेक्टर स्मॉल ए लिखा है, तो स्मॉल ए माइनस और कैपिटल ए, स्मॉल ए यूज़ हो गया तो इधर आएगा कैपिटल ए डॉट विद स्मॉल ए। देख रहे हैं ये चीज़ जनरेट हो गई, इसको मैं वन से रिप्लेस करने वाला हूँ माइनस, और इधर आ जाएगा कैपिटल ए के साथ, इधर आ जाएगा ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। बस वो कहानी खत्म अब हमारी, ए डॉट कैपिटल ए वन हो गया, तो इसको तो मैंने वन से रिप्लेस कर दिया, तो मेरा नो अननोन ये बचा, तो मैं इसको पहले इधर ले आता हूँ, तो वैक्टर ए माइनस बी क्रॉस ए, और इसको उधर लेके गया, तो कैपिटल ए वैक्टर इंटू सम स्केलर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो फाइनली वी आर गेटिंग कैपिटल ए वैक्टर विच इज़ अननोन वैक्टर दैट इज इक्वल टू वैक्टर ए माइनस, अच्छा माइनस बी क्रॉस ए लिखा उसको मैं प्लस ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, तो कैसे भी लिख लो, दैट डिपेंड्स कि ऑप्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो प्लस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो दिस इज वॉट माई वैक्टर ए। अब वैक्टर बी का क्या करूँ, अब तो बहुत आसान हो गया, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, इधर से उठा के इधर रख देना है बस कैपिटल ए वैक्टर, तो या फिर डायरेक्टली लिख लो कैपिटल बी वैक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, और कैपिटल ए मेरा ये है, तो ए प्लस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, दिस इज व्हाट माय आंसर। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वेक्टर निकाल लिए मैंने इन टर्म्स ऑफ नोन वेक्टर्स, एंड नोन वेक्टर्स क्या थे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, ये था इसमें तीन अननोन्स थे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, मतलब है सिंपल ही, बट जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें दो अननोन्स होते थे इन जनरल, ठीक है ना, अभी हमारा एक या दो होते थे, अब इसमें तीन वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ क्या क्या दी थी हमारे थर्ड होमवर्क क्वेश्चन में, इफ वैक्टर यू प्लस वैक्टर वी प्लस वैक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वैक्टर ए, वैक्टर यू क्रॉस वैक्टर वी इज इक्वल टू स्मॉल वैक्टर वी, एंड वैक्टर वी क्रॉस वैक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वैक्टर सी, a dot u is equal to a dot v is equal to 1 and magnitude of a is equal to root 3. These are the informations that they have given, and what they have to find, we have to find vector u, vector v, vector w, of course in terms of small a, small b and small c. Hame u v or w capital matlab ye wale u v w nikalne in terms of small a, small b and small c. So how to proceed, socho agar nahi kiya ho try to ek bar abhi aur try kar lo, जो भी है तुम्हारा इन इक्वेशन से आने वाला है। चलो अब मैं आता हूँ इस इक्वेशन पे, देखना इसी पे क्यों आया उसका भी रीज़न है, ऐसा नहीं कि ऐसे रैंडमली उठा लिया। तो देखो अब मैंने बोला कि हम जनरली क्या करते हैं, क्रॉस ही लेते हैं, जब मैं क्रॉस लेता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई मतलब वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उधर उधर क्या आएगा, दो वैक्टर्स का डॉट भी आएगा, तो वो डॉट क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे आंसर मिलेगा यस क्वेश्चन में गिवन है कौन सा, ये वाली इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, a डॉट यू और a डॉट वी वन के बराबर दे रखा है, a डॉट a डॉट यू और a डॉट वी वन के बराबर दे रखा है, तो अगर मैंने इस इक्वेशन का किसके साथ क्रॉस लूँ सो दैट ये दोनों टर्म जनरेट हो जाए, किसके साथ, a के साथ, सो आई विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद a, उससे क्या होगा a डॉट यू और a डॉट वी जनरेट हो जाएंगे और उनको मैं वन से रिप्लेस कर दूंगा, तो ले लेता हूँ, तो वैक्टर यू क्रॉस वैक्टर वी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, गेटिंग इट। चलो अब मैंने सॉरी इसके साथ मुझे लेना था क्रॉस विद ए, क्रॉस विद वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं इसको ओपन कर दूँ, तो इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा, बीच में कौन सा है, वी वेक्टर, तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, वी के साथ क्या आएगा ए डॉट यू, चलो लिख लेते हैं पूरा पर ए डॉट यू, यू के साथ क्या आएगा ए डॉट वी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देख रहे हैं हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ हो रही है, ए डॉट यू एंड ए डॉट वी, तो लिख लेते हैं उसको, दिस इज वन दिस इज वन, तो फाइनली वी आर गेटिंग वी माइनस वेक्टर यू इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। देख रहे हो अब यू और वी किसी के साथ फंसे हुए हैं क्या, नहीं, तो हमारी इसको इक्वेशन, चलो मैं इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ, गेटिंग इट। तो यू माइनस वी एक रिलेशन मिल गया, जो वेक्टर निकाल लेना उनका एक का डिफरेंस मिल गया बी क्रॉस ए। नाउ हम किस पे जाएंगे, अब हम इस इक्वेशन पे जाएंगे, तो इस इक्वेशन पे अगेन आई विल टेक विद क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, क्यों, क्योंकि a डॉट v जनरेट होगा, a डॉट v मुझे दिया है,
बट उसमें ए डॉट डब्ल्यू भी जनरेट होगा, तो हमें ए डॉट डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं क्या करूँ, एक बार इसका क्रॉस ले लेता हूँ, किसके साथ, ए के साथ। तो वी क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस विथ वैक्टर ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अब इसको ओपन कर देते हैं यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बीच में W है, तो W माइनस इधर V, W यूज़ हो गया तो इधर आएगा V डॉट A, मतलब A डॉट V विच इज़ गिवन एज 1, तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ हो जाएगी। और V के साथ इधर क्या आएगा फिर, A डॉट W, दिस इज़ माय C क्रॉस A, गेट इट। अब A डॉट V तो पता है, बट एक दिक्कत हो गई यहाँ। कौन सी दिक्कत हो गई, कि हमें A डॉट W नहीं पता, गेट इट। A डॉट V पता है बट A डॉट W नहीं पता, समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक टर्म है, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक, दिस इज वन ए डॉट बी। तो इसको तो मैं चलो लिख ही देता हूँ, वेक्टर डब्ल्यू माइनस वेक्टर ए डॉट डब्ल्यू टाइम्स वेक्टर वी इज इक्वल टू सी क्रॉस वेक्टर ए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए डॉट डब्ल्यू। तो ए डॉट डब्ल्यू क्या क्या करें, अभी तक कौन सी इक्वेशन है जो हमने यूज़ नहीं करी है, ये इक्वेशन हमने अभी यूज़ नहीं की है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ए डॉट डब्ल्यू, यस डॉट ले लो ए के साथ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो मॉड ए की वैल्यू दे रखी है, ए डॉट डब्ल्यू ए डॉट वी आएगा, ए डॉट वी ए डॉट यू आएगा, ए डॉट वी आएगा, वो भी पता है, तो ए डॉट डब्ल्यू इज द ओनली अननोन। तो क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन का डॉट ले लेता हूँ वेक्टर ए के साथ, तो यू आर गेटिंग ए डॉट यू प्लस ए डॉट वी प्लस ए डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डॉट ए विच इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर। नाउ दिस इज वन, दिस इज वन एंड दिस इज रूट थ्री का स्क्वायर विच इज थ्री। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, ए डॉट डब्ल्यू ऑल्सो यू आर गेटिंग वन, क्लीन रिजल्ट। तो बस ए डॉट डब्ल्यू उठा के इधर रख देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, डब्ल्यू माइनस वी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, दैट्स इट। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब तुम्हें करना है ये वन टू और ये इक्वेशन थ्री बोल रहा हूँ। नाउ दीज आर द थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री लीनियर वेरिएबल्स, यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। बस क्या करना पड़ेगा, अब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करना पड़ेगा, ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो, इधर यू इधर वी यू दे रखा है ना, चलो तो एक काम करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक कर दो, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू आएगा, उसको ए से रिप्लेस कर देना, तो एक बार वेक्टर तुम्हारा आ जाएगा। मतलब कल कुल मिला के मैं इसके बाद नहीं कर रहा हूँ, वन टू एंड थ्री आर थ्री लीनियर इक्वेशंस। लीनियर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू वी डब्ल्यू में तो लीनियर है ना, यू वी डब्ल्यू के तो कोफिशिएंट वन वन यू वन माइनस वन वगैरह दे रखे हैं, तो यू हैव टू जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट like that way you have to do and you have to get the value of u v and w in terms of a small a and small b vector, getting it। chalo to ab aage badhte hain, to ab hum naya topic dekh lete hain aur the topic is very very easy, usme kuch bhi nahi, 10-5 minute ka topic hai aur uske baad ek last topic bachta hai reciprocal, but before that hum linearly dependent or linearly independent vectors dekh lete hain, वैसे important nahi hai but फिर भी in case agar aa jata hai, jaise sheet mein aaya tha आई थिंक डीपीपी वन में टू और सेकेंड और थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, तो उससे रिलेटेड छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लो, द वेक्टर्स the set of vectors, ऐसे लिख लो, the set of vectors, let's say मैं vectors बोल रहा हूँ, कुछ भी नाम दे दो, let's say u1, u2, u3, up to let's say un, these are my vectors, u1, u2, u3, un, let the set of vectors u1, u2, u3, dot dot dash un are said to be linearly independent, आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, लेट्स से मैं स्केलर ले रहा हूँ, अल्फा वन टाइम्स वैक्टर यू प्लस अल्फा टू टाइम्स वैक्टर यू वन यू टू प्लस अल्फा थ्री टाइम्स वैक्टर यू थ्री डेट डेट डैश अल्फा एन टाइम्स वैक्टर यू एन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज अल्फा वन इक्वल्स टू अल्फा टू इक्वल्स टू अल्फा थ्री इक्वल्स टू डेट डेट डैश अल्फा एन इक्वल्स टू जीरो। पहले कॉपी करो फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो इसने क्या बोला कि कोई मेरे वेक्टर्स दे रखे हैं, कितने ही वेक्टर्स दे रखे हैं, 3, 4, 5, तो मैंने जनरल लिख लिया एंड वेक्टर्स दे रखे हैं। उसने बोला कि इन वेक्टर्स का ना एक लीनियर कॉम्बिनेशन मान लो दिया है, मैंने बोला इफ दिस टू, मैंने क्या वर्ड किया है इफ, इधर लिख लेता हूँ, चलो मैं ऊपर की जगह इधर लिख लेता हूँ इफ। उसने बोला अगर ये ट्रू है, अगर उसने दे दिया कि ऐसी कोई इक्वेशन दी है, दिस इज गिवन क्वांटिटी, दिस इज गिवन थिंग इन द क्वेश्चन एंड दिस इज कंक्लूजन, दिस इज कंक्लूजन इफ इट इज गिवन,
उसने बोला कि अगर मान लो जो मेरे वेक्टर्स हैं u1 u2 u3 un अगर उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है वो जीरो के बराबर दे रखा है और अगर मेरा u1 u2 u3 जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन वी कैन कंक्लूड कि जो भी स्केलर्स लिखे ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n दे ऑल विल बी जीरो दे ऑल विल बी जीरो तो जैसे इसके आधार पे एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है जैसे नोट करके उसको वो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है बट अभी समझ में आएगा और बेटर मैंने बोला कि कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना लिख लो अ पेयर ऑफ टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोचो क्या है पहले खुद सोचो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं वो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज कि अगर मैंने दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लिए तो वो बोल रहा है कि पेयर ऑफ टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो और अगर ऐसा दिया है और मुझे पता है कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर तो हमने पढ़ा था याद है कि जब मैंने ऐसा इस टाइप का लिखवाया था द इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस एंड इफ वी नो ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर तो हम क्या करते थे लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू जीरो तो वही चीज़ हो गई अगर ऐसा है तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स कि मेरे ए और बी वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ठीक है ना क्लियर है तो अगर इस टाइप की क्वेश्चन दे रहा है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं ठीक है ना ये टर्म नहीं आएगा तुम्हारे उसमें ठीक है बट फिर भी मेरा काम है बताना नहीं तो कोई बच्चा बोले सर ये टर्म आपने नहीं बताया ठीक है ना और इनकेस मान लो मैं बोल तो रहा हूँ नहीं आएगा इनकेस अगर आ गया तो पॉसिबिलिटी तो होती है बट कम होती है ठीक है ना पॉसिबिलिटी तो इज देयर बट चांसेस आर वेरी लेस बट फिर भी देख लेते हैं तो मैंने क्या बोला अगर u1 u2 u3 मेरे अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना तो अगर इस टाइप की एक क्वेश्चन दे रखी है तो हम क्या बोलेंगे ऑल स्केलर्स विल बी जीरो सो लाइक हियर मैंने बोला कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया जैसे ये स्टेटमेंट क्या आएगा ट्रू फॉल्स में आएगा मैंने बोला ट्रू या फॉल्स सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ये पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना वो 100% लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब लीनियर इसको हटा दूं मैं कॉपी कर लो इसको अच्छा अब जैसे आप समझ में आ गया होगा कि अब लीनियरली डिपेंडेंट क्या होने वाला है मैं इधर से आई एन हटा देता हूँ द सेट ऑफ वेक्टर यू वन आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ ऐसे लिख लो इफ इसके आगे कंटिन्यू करो इफ द स्केलर्स इफ द स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ नॉट ऑल जीरो एंड इफ अगर ये है तब मैं क्या बोलूँगा माई वेक्टर्स u1 u2 u3 आर लीनियरली डिपेंडेंट उस पहले वाले में क्या बोला था उसने कि अगर सारे स्केलर्स जो है ना इफ दे ऑल आर जीरो देन आई विल से दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट इन दिस केस व्हाट डू यू थिंक कि एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ऐसी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3 अप टू un तो बोल रहा है कि अगर कोई भी एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में से कोई भी एक एटलीस्ट एक नॉट ऑल जीरो मतलब क्या हुआ कम से कम एक नॉन जीरो तब मैं क्या बोलूंगा दीज वैक्टर्स माई u1 u2 u3 आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट क्लियर हुआ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ऐसे लिखा टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट मतलब समझ आना ना एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं मतलब वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर ऐसे भी समझ सकते हो लीनियरली डिपेंडेंट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर इधर लेट्स से ए इज इक्वल टू 2i कैप और एक मान लो मैंने वेक्टर बी इस साइड लिया मान लो -i कैप नाउ यू कैन सी कि वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है ना ए इज 2i बी इज -i तो 2 × -2 -2i तो 2i - 2i जीरो आ रहा है तो अब दिख रहा है क्लियरली कि जो ए का कोफिशियंट है और बी का कोफिशियंट दे आर नॉन जीरो हैंस ए एंड बी आर माय लीनियरली डिपेंडेंट गेटिंग इट मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं मतलब
एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएंगे। इधर क्या हो रहा था कि दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, सभी के आगे के कोफिशियंट्स का सामने सॉरी आगे के कोफिशियंट इंडिविजुअली इज जीरो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे कोप्लैनर का ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स, चलो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करो तुम लोग। मैंने बोला थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स आर डैश, डैश में मुझे बनना है लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट, जस्ट थिंक इट। मैंने बोला तीन कोप्लैनर वेक्टर्स हैं, आर दीस थ्री नॉन आर दीस थ्री लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आंसर मिलेगा दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। लिखो थ्री कोप्लैनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों भाई? क्योंकि तीन कोप्लैनर वेक्टर, मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और लेट्स से ये वेक्टर सी है, तो अगर तीनों एक प्लेन में होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में। तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा वन टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू टाइम्स वेक्टर बी। नाउ यू कैन सी कि हमारे जो वेक्टर्स ऐसे, अब ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा वन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी क्या सभी कोफिशिएंट जीरो है? नहीं, लैम्डा ए का कोफिशिएंट लैम्डा वन है, बी का लैम्डा टू है और सी का क्वेश्चन माइनस वन है, तो माइनस वन जीरो के बराबर तो नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट वन लैम्डा वन लैम्डा टू पे तो चलो मैं कमेंट नहीं कर रहा, आई कैन से ना सी का कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, तो एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज नॉन जीरो ना, हेंस द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि दो तीन कोप्लैनर वेक्टर्स होंगे तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब वो हम एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं तो किसी को कोई मतलब नहीं है, एक उधर है एक उधर, मतलब एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इन क्रूड लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ कि डिपेंडेंट मतलब एक को हम दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि एक को हम दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए। गेटिंग इट? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और इसी को मैं एक स्टेटमेंट, तो ये तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया, एक और क्या लिख सकता हूँ, थ्री नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स आर डैश, तो क्या लिखूंगा मैं, अब शायद कर लोगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे? याद है अपन ने पहले भी किया था, जैसे मैंने लिखा लैम्डा वन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा थ्री वेक्टर सी इक्वल्स टू जीरो। तो दिख रहा है इस टाइप की क्वेश्चन हमने पहले पढ़ी थी कि अगर इस टाइप का दिया है एंड वी नो इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लैनर, तब हम क्या बोलते थे, दिस इम्प्लाइज द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप इम्प्लाइज लैम्डा वन इक्वल्स टू लैम्डा टू इक्वल्स टू लैम्डा थ्री इक्वल्स टू जीरो, एंड इफ दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स माई वैक्टर ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। गेटिंग इट? मतलब इसको कोई और कैंसिल नहीं कर रहा, ये अपने आप में जीरो होगा इसका, इसके आगे का कोफिशिएंट। गेटिंग इट? चलो तो वीडियो पॉज करो, बस इतना ही था इसमें, ठीक है ना, जस्ट इसलिए बताया मैंने कि लगे ना कि पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना, बाकी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे पहले जो भी पढ़ा था दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, मत ठीक है। चलो अब लास्ट देख लेते हैं इसमें, लास्ट टॉपिक एंड दैट इज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। लिखो, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अगेन ये जेई के सिलेबस में ऐसा सच नहीं है, बट सीटी वगैरह में आ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। रेसिप्रोकल से पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो लिख लो, द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर सेट टू बी रेसिप्रोकल, आर सेट टू बी रेसिप्रोकल, आर सेट टू बी रेसिप्रोकल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज यूनिटी, इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज यूनिटी, इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज यूनिटी, मतलब वन होगा। अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लेट मी राइट डाउन, उसका हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। मैं लिखा इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, आर नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, देन देखना ध्यान से, ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी, बी डैश इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी,
पॉइंट सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, परफेक्ट. देन माई ए डैश, बी डैश एंड सी डैश आर कॉल्ड, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सिस्टम फॉर द वेक्टर्स, फॉर द वेक्टर्स ए कॉमा बी कॉमा सी. फर्स्ट राइट डाउन, ठीक है ना, फिर मैं इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है ना. लिख लो इसको पहले अच्छे से, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है. नाउ लेट्स, लेट मी स्टार्ट. उसने क्या बोला कि दो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को हम रेसिप्रोकल कब बोलेंगे, जब उन दोनों वेक्टर्स, उनके जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स होंगे ना, उनका डॉट प्रोडक्ट इज यूनिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने माना कि एक सिस्टम है, कोई तो एक सिस्टम है, उसमें तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड दोस थ्री आर नॉन कोप्लैनर ऑफ कोर्स. तो वो बोल रहा है कि जो इसका रेसिप्रोकल सिस्टम होगा ना, उसमें मैंने तीन वेक्टर्स डिफाइन किए, कैसे कैसे, एक तो ए डैश, एक बी डैश और सी डैश. अब वो क्या बोल रहा है कि ए डैश, बी डैश, सी डैश जिस सिस्टम ऑफ वेक्टर्स में आ रहे हैं ना, लेट्स उसको मैं सिस्टम टू बोल रहा हूँ, पहले वाले को सिस्टम वन बोल रहा हूँ जिसमें मेरे वेक्टर ए बी सी आ रहे हैं, और एक मैं दूसरा सिस्टम बोल रहा हूँ जिसके अंदर मेरे ए डैश, बी डैश, सी डैश आ रहे हैं. तो बोल रहा है करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होंगे ना, इनका डॉट प्रोडक्ट वन होगा, अगर वो दोनों सिस्टम, दोनों सिस्टम अगर रेसिप्रोकल है तो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू कैन सी नोट, एज अ नोट यू कैन सी कि वेन यू विल टेक ए का डॉट विथ ए डैश, जस्ट थिंक इट वॉट यू आर गेटिंग, देख लेते हैं. मैंने बोला ए डॉट ए डैश कितना मिलेगा, ए डॉट ए डैश, इसका ए के साथ डॉट, तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी, एंड दैट इज नथिंग बट वन. वही तो वो बोल रहा था कि करस्पॉन्डिंग वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर वन आएगा तो दोज टू सिस्टम्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वैक्टर्स. नाउ यू कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो, बी डॉट बी डैश, तो बी डॉट बी डैश इज कॉल्ड, इज इक्वल टू क्या जाएगा, बी सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, b dot c cross a divided by box abc, and this is again one. And lastly, similarly you can do c dot c dash, again you will get one only. Hence my a dash, b dash and c dash are called reciprocal system of vectors. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, वो तीन वेक्टर दे देगा abc, ठीक है, और फिर बोलेगा a dash, b dash, c dash निकालो, that corresponds to reciprocal system. तो what you have to do, simply a dash is इन दोनों का cross divided by box abc, vector b dash is c cross a divided by box abc, that's it. सिमिलरली सी डैश, गेटिंग इट, बहुत सिंपल सा, मतलब कोई ज़्यादा दिमाग वाला पार्ट है नहीं, ठीक है. एक दो नोट और लिख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे. इसमें नेक्स्ट नोट है, अभी जैसे अपन ने देखा, जैसे नोट के फॉर्म में जैसे एक बार और लिख लेते हैं, हमने देखा ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू सी डॉट सी डैश इज इक्वल टू वन. This is what we have written down, ठीक है ना, ये तो होता ही है, तभी तो हम उन दोनों सिस्टम को रेसिप्रोकल बोलते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर नोट है, देखना ध्यान से, नोट टू, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए का ए डैश के साथ लिया तो वन आ रहा है, बट अगर ए का मैंने बी डैश और सी डैश के साथ लिया ना तो जीरो आएगा. दैट इज ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू ए डॉट सी डैश इज इक्वल टू जीरो. दैट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, ए तो ये रहा, और बी डैश क्या था मेरा, बी डैश क्या था मेरा, सी क्रॉस ए डिवाइड बाई बॉक्स ए बी सी. That you can see is a dot, अब ये box लिखा है तीन vectors का जिनमें कि दो vectors same है, hence it is zero. तो getting it? अगर मैंने corresponding vectors लिए तो I'll get one, और दूसरा pair लिया तो I'll get zero. For example, A का मैंने बाकी बच्चे के साथ लिया तो zero. For example, B का मैंने A dash के साथ लिया या फिर B का मैंने C dash के साथ लिया, again I'll get zero. अगर मैंने C का A dash के साथ लिया या C का B dash के साथ लिया, again I'll get zero. Getting it? Clear हुआ बच्चों? तो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का तो डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर दूसरे के साथ लिया तो इलेक्ट जीरो. गेटिंग इट? चलो नोट, नेक्स्ट नोट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का मैं एज अ नोट लिखवा रहा हूँ, बाकी एज अ प्रूफ भी आ सकता है, प्रूफ दैट के फॉर्म में. मैंने कहा बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, दिस इज वन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज वन. करो एक बार ट्राई करो, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, आई विल टेल यू द प्रूफ, बट एक बार तुम लोग ट्राई करो. बॉक्स मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, या फिर बॉक्स ऑफ ए बी सी इज रेसिप्रोकल ऑफ बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, वन एंड द सेम थिंग. मतलब जैसे हम नहीं बोलते, जैसे sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, लाइक दैट वे ओनली बॉक्स ए बी सी एंड बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. यू कैन मेक अ स्टेटमेंट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, बॉक्स ए बी सी एंड बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. करें प्रूफ, तो लेट्स प्रूफ दिस पार्ट, वेरी सिंपल. मैंने लिया ए डैश बी डैश सी डैश,
ए डैश बी डैश सी डैश। चलो अब मैं इसको बॉक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। ए डैश था क्या मेरा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, इट इज़ बी क्रॉस सी डिवाइडेड बॉक्स ए बी सी, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी। फिर मेरा बी डैश क्या था, सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी। एंड लास्टली सी डैश क्या था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बॉक्स ए बी सी। आई होप जहाँ तक क्लियर है। अब हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। बॉक्स के अंदर कुछ लिखा है कांस्टेंट स्केलर, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड। सो यू कैन सी ये तो वी क्रॉस सी तो वेक्टर है, उसको तो मैं नहीं बाहर ले सकता, बट नीचे डिनोमिनेटर में अंदर ए बी सी का बॉक्स दे रखा है, इसको बाहर लूँगा, इसको बाहर लूँगा और इसको बाहर लूँगा, तो तीनों को बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा, बाहर बॉक्स ए बी सी का क्यूब। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज इक्वल टू वन अपॉन बॉक्स ए बी सी का क्यूब, और अंदर क्या मिल रहा है, बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। गेटिंग इट। अब याद करो, ये भी मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, क्या होता है, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, मैं इधर लिख रहा हूँ, बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, हमें क्या मिला, ऊपर क्या लिखा है, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर और नीचे बचा बॉक्स ए बी सी का क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया इससे वन, तो यू आर लेफ्ट आउट विथ बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश, दिस यू आर गेटिंग वन अपॉन बॉक्स ए बी सी, दैट्स इट, दैट्स हेंस प्रूफ। वही प्रूफ करना था कि बॉक्स ए बी सी एंड बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, दीज टू थिंग्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। गॉट इट, क्लियर हुआ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक नोट और लिख सकते हो इफ यू वॉन्ट, कि जो आई जे के हैं ना, दे आर सेल्फ रेसिप्रोकल। मतलब क्या है बताता हूँ, नोट के फॉर्म में लिख लो, नेक्स्ट या फोर्थ नोट जो भी था, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप एंड के कैप आर सेल्फ रेसिप्रोकल, सेल्फ रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है, जब आई को मतलब ए माना मैंने, मतलब आई जे के को मैंने ए बी सी माना, तो इफ आई विल राइट आई, मतलब मैं अगर इसका इसका रेसिप्रोकल वेक्टर निकालूंगा तो क्या होता है, जे क्रॉस के डिवाइड बाय बॉक्स आई जे के, एंड वी नो जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप, आई कैप, एंड ये भी मैंने निकलवाया था लास्ट क्लास में, बॉक्स ऑफ आई जे के इट इज वन, तो इट इज वन, तो यू कैन सी आई का रेसिप्रोकल क्या आया, आई ही आया, इसलिए मैंने बोला आई जे के आर सेल्फ रेसिप्रोकल। गॉट इट, क्लियर है। तो दिस मच थियरी इज सफिशियंट फॉर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब इसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर हम पर एंड अप करेंगे हमारा सिलेबस, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहले तो एक सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा ठीक क्वेश्चन देखेंगे। लिखो, फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू द सेट, मैं डायरेक्टली वेक्टर लिख रहा हूँ, तुम पहले इधर लिखो, चलो लिख लाऊँ, फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू द सेट, रेसिप्रोकल टू द सेट, रेसिप्रोकल टू द सेट माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप कॉमा आई कैप, सॉरी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दीज आर थ्री वैक्टर्स, लेट्स ए बी सी, इसका रेसिप्रोकल वैक्टर्स निकालने हैं, तो वेरी सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, लेट्स से मुझे इसका रेसिप्रोकल वैक्टर निकालना है, दैट इज ए डैश, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी डिवाइड बाई बॉक्स ए बी सी, सिंपल। अब तो मैं बस इन दोनों का क्रॉस लेना है और एक बार बॉक्स ए बी सी निकालना है, तो लेट्स मी फाइंड बॉक्स ए बी सी। तो बॉक्स ए बी सी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट्स ऑफ आई जे के माइनस वन 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 माइनस वन 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 वन, लेट्स से मैं इधर ही ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को, इसको जीरो बना रहा हूँ, तो लेट्स से दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज टू, तो फिर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो अगेन इट इज जीरो, दिस इज टू एंड दिस इज अगेन टू, सो ये गया ये गया, तो यू आर लेफ्ट आउट विथ माइनस वन इन टू जीरो माइनस टू माइनस फोर विच इज अगेन फोर, सो यू आर गेटिंग बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू फोर। तो बॉक्स ए बी सी मिल गया, बी क्रॉस सी और निकाल लेते हैं, तो बी क्रॉस सी वैक्टर विल बी आई जे के, फिर सेकेंड रो में क्या रखेंगे, बी वैक्टर, इधर बी पहले लिखा है, तो वन माइनस वन वन और फिर वन वन वन, सो दिस विल बी आई इन टू, ये गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस जे टाइम्स, ये गया वन माइनस वन जीरो प्लस के टाइम्स, ये गया वन माइनस और माइनस टू, तो फाइनली यू आर गेटिंग दिस एज टू माइनस टू आई कैप प्लस टू के कैप, सो दिस इज वॉट बी क्रॉस सी, वी हैव टू कैलकुलेट ए डैश, सो ए डैश फाइनली वॉट इज द रिजल्ट, इट इज माइनस टू आई कैप
प्लस 2k cap डिवाइडेड अ बॉक्स एफिशिएंट व्हिच इज 4. सो दिस इज द रेसिप्रोकल टू द वेक्टर ए. सिमिलरली तुम लोग बी और सी निकालना करना, ठीक है ना. यू हैव टू डू, जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, एक तो बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का और एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है ना. थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है. चलो अब एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू. ये जस्ट इसलिए कराया था कि जिससे याद हो जाए फॉर्मूला, ठीक है ना. अगेन जस्ट प्लग करना था वैल्यू, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं. तो करते हैं नेक्स्ट. इफ ऐसे लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, reciprocal system of vectors, then prove that a dash cross b dash plus b dash cross c dash plus c dash cross a dash is equal to a plus b plus c divided by box abc. ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना. क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. चलो तो एक एक टर्म निकालते हैं. तुम लोग पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो. अब मैं एक एक टर्म कैलकुलेट करूँ. लेट्स से आई एम कैलकुलेटिंग फर्स्ट ए डैश क्रॉस बी डैश, ठीक है. तो ए डैश क्या होता था हमारा, मैं निकाल रहा हूँ ए डैश क्रॉस बी डैश. और अगर सिमेट्री से बोल पाए तो हम इन दोनों को सिमेट्री से बोल देंगे, ठीक है. देखते हैं क्या आता है फाइनली. तो ए डैश इज वॉट बी क्रॉस सी डिवाइड बाई बॉक्स ए बी सी. तो बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई बॉक्स ए बी सी एंड क्रॉस विथ बी डैश सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई बॉक्स ए बी सी. यहाँ तक क्लियर है. अब ऊपर क्या लिखा है याद है, कुछ अपन ने परसों की क्लास में पढ़ा था, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही पढ़ा था आई थिंक, ये वाला पार्ट ए क्रॉस बी क्रॉस विथ सी क्रॉस डी. दो तरीके से करते थे, एक तो या फिर इसको वेक्टर ई मान लो या इसको वेक्टर ई मान लो. तो लेट से इसको ई माना मैंने, ठीक है ना. तो मैं क्या लिखता था ई क्रॉस सी क्रॉस डी. फिर हम इसको लिखते थे प्लेन ऑफ, फिर बीच में सी वेक्टर है तो सी माइनस डी इधर है तो सी सी के साथ ई क्रॉस डी आएगा, ई क्रॉस डी सॉरी ई डॉट डी. और इधर आएगा डी के साथ ई डॉट सी. फिर ई को मैं दोबारा रिप्लेस करूँगा ए क्रॉस बी से तो जो हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी का बॉक्स इंटू वैक्टर सी माइनस ई सी डी. तो ई और ई को मैंने लिखा दोबारा ए क्रॉस बी तो ए बी सी बॉक्स ए बी सी इंटू वैक्टर डी. सिमिलरली हियर ऑल्सो वी विल डू. तो डिनोमिनेटर में तो मेरा क्या लिखा है पहले लिख लेते हैं एक बार, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर. और ऊपर क्या लिखा है बी क्रॉस सी क्रॉस विथ सी क्रॉस ए. तो लेट से मैंने इसको वेक्टर एक मिनट के लिए ई वेक्टर बोला तो ऊपर क्या लिखा है ई क्रॉस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर. अगेन ऊपर वाले को कैसे लिख सकता हूँ मैं, सी बीच में है तो सी माइनस वेक्टर ए और सी इधर आ गया तो ई ई डॉट ए और इधर ए इधर आ गया तो मेरा इधर हो जाएगा ई डॉट सी डिवाइड बाय बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर. नाउ आई विल रिप्लेस वेक्टर ई जो मैंने माना था बी क्रॉस सी इधर. तो पहला ये क्या बनेगा बॉक्स बी सी ए, बी सी ए इंटू बॉक्स बैक सी माइनस ई सी, ई इज बी क्रॉस सी तो बी क्रॉस सी डॉट सी. तो बॉक्स बी सी सी वैक्टर ए डिवाइड बाई बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दिस इज बॉक्स ऑफ थ्री वैक्टर्स इन विच टू वैक्टर्स आर सेम सो दिस बॉक्स इज जीरो. सो एंड बी सी ए सेम एज बॉक्स ए बी सी बिकॉज साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होता है तो बॉक्स विल नॉट चेंज. सो इधर एक बॉक्स लिखा इधर दो बॉक्स लिखे तो एक कैंसिल हो गया. तो फाइनली वॉट यू आर गेटिंग इज वैक्टर सी डिवाइडेड बाई बॉक्स ए बी सी. ये किसकी वैल्यू मिली मिले इसकी ए डैश क्रॉस बी डैश. तो अगर ए डैश क्रॉस बी डैश की मुझे वेक्टर सी अपॉन दिस मिली तो अब सिमेट्री से मैं बी डैश क्रॉस सी डैश बोल सकता हूँ डायरेक्टली. इसको हटा देता हूँ मैं बी डैश क्रॉस सी डैश कैन आई से डायरेक्टली बी और सी यूज हो गए तो इधर से इधर ए और बी थे तो इधर सी बचा तो इधर बी और सी यूज हो गए तो इधर क्या बचेगा वेक्टर ए और नीचे तो सिमेट्रिक टर्म है ए बी सी में तो बॉक्स ए बी सी. अगर नहीं समझ ऐसे नहीं सिमेट्री से नहीं लिखना तो जैसे अपन ने इधर एक्सप्लेन किया वैसे करो इधर, ठीक है ना. और लास्टली सी डैश क्रॉस ए डैश अगेन आई विल से सी और ए हो गए तो वॉट इज लेफ्ट आउट इज बी अपॉन बॉक्स ए बी सी. जस्ट यू हैव टू एड इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री दैट विल गिव यू दिस रिजल्ट. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बॉक्स ए बी सी. क्लियर हुआ बच्चों. सो यहाँ पे हमारा वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाता है, एक क्वेश्चन रह जाता है वैसे. चलो मैं सोच रहा था उसको 3D में कवर करूँ बट आई विल कवर इट नाउ.
उसके बाद दैट विल बी अ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नॉट बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल सिस्टम, ये अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रन के बेसिस पे है, ठीक है। तो नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं तुमको एज अ होमवर्क दे देता हूँ ये, ठीक है ना, थोड़ा सा तो टास्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, कैसे लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखवा रहा हूँ। मैंने बोला कि एक मेरा टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन क्या होता था हमारा, एक ट्रायंगल बेस लेते थे और एक हवा में एक पॉइंट लेते थे, फिर इस पॉइंट को हम तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर देते थे, याद आया, वो पीछे वाला ये एज दिखेगा ना, इसको डैट 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 डैश कर दिया, ठीक है, तो दिस विल बी अ टेट्राहेड्रन, ठीक है ना, ऑफकोर्स दीज फोर पॉइंट्स, लेट्स से मैंने इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी, इसको डी, दीज आर नॉन कोप्लैनर, ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज ए बी सी डी एक प्लेन में नहीं है, ए बी सी एक प्लेन, बी सी डी एक प्लेन में, इस डायग्राम के हिसाब से एक हवा में पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन किया, तो मुझे क्या निकालना है, ऑफकोर्स एंड इट इज गिवन दैट इट इज रेगुलर, इट इज रेगुलर, मतलब ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है और उसका साइड लेंथ दे रखा है, लेट्स से इसका साइड लेंथ एन दे रखा है, यू हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, हाइट मींस क्या है, कोई भी एक वर्टेक्स उठा लो, सिंस इट इज रेगुलर तो फर्क नहीं पड़ेगा किस वर्टेक्स से उठा रहे हो तुम, इस वर्टेक्स से लेट्स से इस प्लेन पे ये जो हाइट है, दिस इज हाइट, हाइट वी हैव टू फाइंड हाइट इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ एल, गेटिंग इट, टू फाइंड height h लिख लो in terms of side length, in terms of side length of which is l, तो मुझे h निकालना है in terms of l, can keep that in mind कि जो मेरा tetrahedron है this is regular, ठीक है बच्चों, so that's it, और फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में with the chapter 3D, okay, thank you।